एबी कैपिटल के बारे में। एबी कैपिटल आज ही इन्होंने खरीदा है 166 पर। जब आज ही खरीदा तो बहुत सारे लोग खरीदने से पहले पूछ रहे हैं ना, आप भी खरीदने से पहले एक बार पूछते। चलिए कोई बात नहीं, कोई देरी नहीं हुई, आज ही खरीदा आपने, 166 पे खरीदा है, 1000 शेयर है, क्वांटिटी अच्छी है, ठीक ठाक है। तो थोड़ा देख करके अब यहाँ पर टारगेट क्या रखना चाहिए। एक चीज़ और आप बताते प्रभात जी, कि जब आपने आज खरीदा है तो कितने समय के लिए खरीदा है, कितने समय तक आप इसे रखना चाहते हैं, अगर वो भी साथ में बताते तो फिर सोमेश जी आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी सलाह दे पाते। लेकिन फिर भी अब बताइए प्रभात जी के लिए क्या ठीक रहेगा, अगर दो दोनों ही सूरत में, अगर उन्होंने कोई थोड़े समय के लिए ट्रेडिंग करनी चाहिए है तो उनके लिए क्या लेवल्स रहेंगे, अगर वो इसे रखना चाहते हैं, जैसे आप कहते हैं पोर्टफोलियो स्टॉक होना, अगर पोर्टफोलियो में बना करके सजा करके रखना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे। देखिए, मैंने ना आदित्य बिरला कैपिटल बहुत लंबे समय से मैंने ट्रैक किया है, और एक चीज बहुत क्लियर है स्टॉक के रिस्पेक्ट में, कभी भी ये स्टॉक जब भी पड़ता रहे कभी नहीं खरीदना, अटकाएगा ही अटकाएगा। ये कभी नीचे मिलता है तभी लेके बैठना चाहिए और फिर चलता है, ये बहुत लंबे समय से मैंने देखा है। अब यहाँ पे जो आपने खरीदा है, अब मैंने जब सब देखने की कोशिश की है तो ये लग रहा है कि 160 से टुवर्ड्स 155 150 के रेंज में आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग इसकी ट्रिगर हो गई है छोटी वाली। मेन प्रॉफिट बुकिंग इसकी ट्रिगर हो जाएगी 160 के नीचे, जो कि कम से कम 155 तक की प्रॉफिट बुकिंग रहेगी। 160 के पहले छोटा वाला प्रॉफिट बुकिंग भी ट्रिगर नहीं होता है, और तब ये 155 तक का मिनिमम प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होता है एंड अप अंटिल 150। 150 के नीचे अगर बंद हुआ तो जो इसने ट्रेंड शुरू किया है वो प्रॉब्लम, नहीं तो ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, यही इसकी असेसमेंट है, इससे ज्यादा और कुछ इसमें असेसमेंट नहीं। जी, तो ये असेसमेंट तो मुझे लगता है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनके नज़रिए से हो गया, लेकिन इसकी थोड़ी बड़ी तस्वीर देखना चाह रहा था मैं। और ये बड़ी तस्वीर तो मुझे मतलब कटोरी की याद दिला रही है। ऐसा है कि ये स्टॉक ने तो बहुत लंबे समय से वेल्थ क्रिएट किया ही नहीं, तो हो सकता है इसका धीरे धीरे टाइम आ रहा हो, लेकिन बहुत लंबे समय से यहीं पे पड़ा हुआ है। अब तो देखें, पिछले रिजल्ट के बाद से इस बार रिजल्ट में बहुत उम्मीद बन रही है, इसलिए ये चल रहा है स्टॉक। रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद असेस करते हैं, अगर वैसा परफॉर्मेंस फिर से है तब तो हो सकता है कि इसके अच्छे दिन आ जाएंगे, और नहीं तो फिर थोड़ी तकलीफ रहेगी। ये चीज ये है कि पिछला परफॉर्मेंस वैसे जस्ट देखा भी था मैं 80-90 रुपए के रेंज में इसको काफी ट्रैक करता था, लेकिन आई थिंक 120-130 के बाद मैंने छोड़ दिया। पिछली बार इनका काफी सारा एबनॉर्मल इनकम था, लेकिन उसको हटा के ये क्वार्टर देख लीजिए, अगर ये क्वार्टर में भी अगर थोड़ा सा अच्छा मेंटेन है तो फिर ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये रनिंग ट्रेंड में बैठने वाला स्टॉक नहीं। जी, मतलब कहीं पर नीचे वापस आए तो वैसा लेवल क्या रहेगा। अभी आपने 155, 150 ये सब कहे, लेकिन मुझे लगता है वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से है। निवेशकों के लिए जो थोड़ा दूर की देख रहे हैं उनके लिए खरीदारी का बढ़िया लेवल क्या रहेगा। वो 110 के आसपास, 110-115 के रेंज में मिलता है तो ज्यादा बेहतर है। 130 अगर तो इसका अभी 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। मैं अभी इस रेंज में खरीदने के लिए तो सोच भी नहीं सकता, सॉरी 110 कह रहा हूँ, 130 के आसपास का जो बॉटम है ना वहां जी पे, अगर वो भी 150 के नीचे खरीदने की चीज नहीं है फिर इसका प्रॉब्लम है, तो शायद 130-120 मिल जाएगा, लेकिन 150 पहले देख लीजिए, उसके बाद नीचे का लेवल जो है फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो 110-115 के रेंज में कंफर्ट बनेगा, उसके पहले कंफर्ट नहीं। जी चलिए अब आज के इस कार्यक्रम को यहाँ समेटा जाए, क्योंकि हम लोग लगभग 1.5 घंटे की बातचीत पूरी कर चुके हैं। तो आज के लिए